तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप यहां पे देख रहे गाइस, हमारे पास ये एक टेबल लैंप है गाइस। तो यहां पे हमारे पास ये एक टेबल लैंप है। तो गाइस, ये जो टेबल लैंप है, इसकी जो खास बात है गाइस, इसमें जो चार्जिंग सिस्टम रहता है, चार्जिंग से चलता है ये टेबल लैंप। और गाइस, इसमें टच सेंसिंग से ऑपरेट होने वाला ये टेबल लैंप है गाइस, ठीक है। तो हम इसे रिपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए गाइस, यहाँ पे जो पिन कंडीशन देखिए गाइस, पिन पूरी डेड हो चुकी है, पूरा उखड़ चुका है गाइस, ठीक है। तो हम इसे रिपेयर करने वाले हैं। तो जैसे कि मुझे मिला है गाइस, तो ये मेरे दोस्त के पास से मिला हुआ है। उसके पास बहुत दिनों से खराब होके पड़ा हुआ था, तो हमने इसे रिपेयर करके सोचे कि हम वीडियो बना लेंगे, इसे रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, इसे हम खोलेंगे। खोलने के लिए गाइस, हमें इसके जो नीचे जो रबर के नॉब है, तो ये हम पूरे निकाल देंगे। और उसके नीचे जो है स्क्रू रहने वाले है गाइस। तो ठीक है गाइस, इस तरीके से हमें इसे खोल देना है। ये इस तरीके से खुल जाएगा, तो देखने पर पता चलेगा गाइस किस तरीके से। तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या क्या चीज है गाइस। तो गाइस, यहाँ पे एक लेड एसिड बैटरी है गाइस। तो ये लेड एसिड बैटरी का जो है, जो जल्दी खराब होती है, इसका जो बैटरी बैकअप है उतना नहीं होता है। तो हम इसे देखेंगे हम किस तरीके से बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस, हम इसे खोल के देखेंगे। तो गाइस, इसका जो पीसीबी कंडीशन देखिए गाइस, तो गाइस मुझे लगा कि इसमें मल्टी लेयर पीसीबी होगा, तो ये तो सिंगल लेयर पीसीबी है गाइस, बहुत हल्का है। तो ठीक है, तो देखिए गाइस, हमें इसमें जो है पिन चेंज करने वाले यूएसबी की, ठीक है, यूएसबी पिन चेंज करेंगे। और बैटरी को लिए हम बैटरी बैकअप बढ़ाने वाले, बैटरी हम दूसरी लगाने वाले हैं जो ली ऑन बैटरी होगी, ठीक है। तो गाइस, इसकी जो पिन का प्रॉब्लम है, पिन का प्रॉब्लम हम रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पिन रिपेयर करेंगे, बाद में हम बैटरी का देखेंगे किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, इसे हम, तो ये यूएसबी सॉकेट है गाइस, तो ये हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो हीट गन से यूज करेंगे हम। तो गाइज, ये सिंगल लेयर पीसीबी होने के कारण गाइज, इसको ज्यादा हीट देने की जरूरत भी नहीं है, कम ही हीट पे जल्दी निकल जाता है गाइज, ठीक है। क्योंकि गाइज सिंगल लेयर, मल्टी लेयर में हीट ज्यादा देना पड़ता है और टाइम भी ज्यादा लगता है। तो ये सिंगल लेयर है, एकदम हल्का है। तो देखिए, पेस्ट में लगा के हम इसे इस तरीके से लगा देंगे। सबसे पहले गाइस बैटरी निकाल देंगे। तो ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हम यहाँ पे रख देना है, एक्यूरेट सॉकेट पे बैठ चुका है, ठीक है। एक मिनट, इसे एक बार क्लीन कर लेंगे। तो ठीक है गाइस, इस तरीके से हम इसमें पिन लगाए देंगे। तो गाइस, पिन ऐसे इस तरीके से लगा देंगे। तो देखें, तो गाइस देखिए गाइस, हमने इस तरीके से हम इसमें पिन कनेक्ट कर चुके हैं गाइस, ठीक है। तो सोल्डर मार के ये पूरा परमानेंटली ओके हो चुका है गाइस, ठीक है। तो गाइस, अब इसे बैटरी का देखेंगे गाइस। बैटरी को हमें बैकअप बढ़ाना है और इसमें जो है लाइफ भी बढ़ जाएगी गाइस, ठीक है। तो गाइस, इसका जो है बैटरी का जो है, ये जिसमें जो लेड एसिड बैटरी है, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम 4 वोल्ट की जो लेड एसिड बैटरी है, इसकी लाइफ कम होती है और इसे ज्यादा बैकअप भी नहीं देता है, ठीक है। तो गाइस, हम इसमें क्या करने वाले, इसको हटा देंगे, इसे रिप्लेस करके हम इसमें से अच्छी सी बैटरी लगाएंगे, हम इस तरीके से लियोन बैटरी लगाएंगे। तो गाइस,
इसमें एक बैटरी भी लगा सकते थे गाइस, तो गाइस इसका जो वेट है इसके बराबर कम हो जाता था, तो एक बैटरी लगाने पर ये जो लैंप है गिर गिर जाता था, तो इसलिए हम क्या करें इसमें दो बैटरी लगाएं। तो गाइस दो बैटरी लगाने से इसका वेट भी बढ़ जाएगा और इसका बैटरी का जो बैकअप है वो भी बढ़ जाएगा गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो बैटरी है, तो इसमें लगाने से पहले गाइस इसमें जो है प्रोटेक्शन बोर्ड जरूरी है गाइस, ठीक है। तो इसमें लीड बैटरी एसिड बैटरी थी गाइस, तो ये जो है लीड एसिड बैटरी थी, तो गाइस इसके अंदर जो है प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है, चार्जिंग के लिए डायरेक्ट करंट आते रहेगा गाइस, ठीक है। तो इसमें चार्जिंग के लिए इसे ऑटो कट ऑफ या ओवर चार्जिंग और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवर चार्जिंग के लिए हमें इसे प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो इसके वजह से तो गाइस उसकी वजह से गाइस हमें इसमें लगाने के लिए, तो इस तरीके से हमारे इसमें छोटा सा प्रोटेक्शन बोर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो माइनस एक वायर लगा है, एक पॉजिटिव एक वायर है, ठीक है। तो गाइस अब इसे इसमें फिट कर देंगे। तो सबसे पहले गाइस हम इसमें केस देखेंगे किस तरीके से, यहाँ पे जो है यहाँ पे इस तरीके से लगने वाला है, पर लगने के लिए गाइस यहाँ पे थोड़ी जगह कम हो रही है, क्योंकि गाइस इसमें यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई थी, ठीक है, एक्यूरेट सेट के लिए लगी हुई थी, तो हम इसे कुछ तोड़फोड़ करना पड़ेगा। तो इसे तोड़फोड़ करने के लिए यहाँ पे हम तोड़फोड़ करेंगे, तो देखिए गाइस हमने इस बैटरी की जगह पे यहाँ पे एक्यूरेटली हमें इस तरीके से जो जो सपोर्ट थे वो पूरे कट करके हमने इस तरीके से फिट किया है, तो इसका वेट बढ़ चुका है गाइस, ठीक है। तो अब गाइस हम इसमें वोल्टेज लगाने वाले हैं, तो अच्छा जो बैटरी के वायर लगाने वाले हैं, तो देखिए तो यहाँ पे बैटरी के वायर लगा के हम चार्जिंग करके देखेंगे। तो देखिए गाइस इस तरीके से जो है पॉजिटिव नेगेटिव लग चुके हैं, तो गाइस हम इसमें अभी इसको अच्छे से फिट कर देंगे। तो गाइस इसे जो चार्जिंग लगा चुके हैं गाइस, चार्जिंग पोर्ट ओके हो चुका है, और यहाँ पे देखिए गाइस बैटरी इसमें लियोन बैटरी है गाइस, ठीक है। तो गाइस एक बैटरी है 2 घंटे चलती है, तो गाइस 2 घंटे के करीब चलती है एक बैटरी, तो ये 4 घंटे का बैकअप हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस उतना बैकअप तो गाइस ये बैटरी नहीं देती है गाइस, ठीक है। तो गाइस इसका ये प्लस पॉइंट है कि ये 4 घंटे तो चलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा है चार्जिंग पोर्ट पे लगा देंगे, तो यहाँ पे पावर ऑन हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखने पे, 1 मिनट इसमें इस तरीके से अच्छा दिखेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टच सेंसिंग से चलने वाला है ये, तो देखिए इस तरीके से चलेगा और इस तरीके से ऑफ हो जाएगा टच ऑन, तो ठीक है। तो इस तरीके से टचिंग सिस्टम पे काम करता है गाइस, ठीक है। तो गाइस अभी से पैक कर देंगे। तो गाइस इस तरीके से हमने रिपेयर किया है गाइस, ठीक है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए गाइस, ठीक है। थैंक यू गाइस।